वेलकम बैक। तो आज मैं कर रहा हूँ हमारे मौली फिश का वाटर चेंज एंड साथ में आज आपको इनका देने वाला हूँ अपडेट एंड साथ ही मैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी आपको दिखानी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से दिखेगा एंड अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स में वीडियो लाता रहता हूँ। तो चले अब करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। पहले हम वाटर चेंज करते हैं एंड देन फिर वीडियो को करते हैं काफ़ी अच्छे से स्टार्ट। तो यहाँ का 90% वाटर हमने निकाल दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी पानी की एंड बाकी हमारे फिश आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर। एंड अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें काफ़ी प्यारी सी न्यू चीज़ मिली है। तो ये रहा भाई वो हमारा मौली फिश का फ्राई, एक है यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा है एंड हमारे किसी और फिश ने यहाँ पे बेबीज़ को बर्थ कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो कि हमारे बेबीज़ अभी यहीं पर होंगे स्टोन्स के नीचे, तो मैं उनको नहीं निकालने वाला, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकालने वाला क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से निकाले थे तो हमारे सभी मौली के फ्राइज मर चुके थे। तो अब ये रहेंगे यहीं पे इनके पेरेंट्स के साथ, इनके बड़े भाई बहनों के साथ जो कि काफ़ी बड़े हैं बट इन पे अटैक नहीं करते हैं। तो अब हम करते हैं भाई अपना काम जो कि हम करने आए हैं, जो कि मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ कुछ फ़िश जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं ताकि मैं उनकी एक अलग से ब्रीड ले सकूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़िश हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट फीमेल हमारी यहाँ पर रही। फर्स्ट तो आप इसका साइज़ चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इसका कलर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीमेल है देख सकते हो। तो इसको हम करने वाले हैं यहाँ से अलग एंड इसकी मैं लेने वाला हूँ अलग से ब्रीड। तो अब आपको मेल भी मैंने कौन से चूज़ किए हैं वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो चलें जल्दी से इसके पार्टनर्स को निकाल लेते हैं एंड बाकी अपडेट आपको देते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो भाई हमने यहाँ पर वाटर फिलअप करना कर दिया शुरू क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था एंड यहाँ से हमने अपने जो निकालने थे फ़िश हमने निकाल लिए हैं, बाकी फ़िश हमारे यहीं पे हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो ये रहे वो जिनकी मैंने अलग से ब्रीड लेने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे दो मेल हैं एंड तीन फीमेल है। एक पेयर आ चुका हमारा बैलून मौलीज़ का, तो इसको पहले निकाल देते हैं यार भाई, फिर इसका ध्यान नहीं रहेगा एंड ये बड़े फिश शायद इस पर अटैक करते हैं बिल्कुल इसको खुले में देख के। तो ये जा चुका है भाई हमारे बड़े से पॉन्ड के अंदर एंड यहाँ पर काफ़ी ईजीली ये बड़ा भी हो जाएगा ये। और बाकी आप यहाँ पे हमारे फ़िश देख सकते हो मैंने कौन कौन सा पेयर निकाला है। एक तो बैलून मौलीज़ का हमारा पेयर जो कि चाहता हूँ मैं कि बैलून मौलीज़ और भी आए यार क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम है एंड यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड करूँगा तो हमारे वाइट मौलीज़ क्योंकि वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे तो हमने काफ़ी अलग अलग हमारे पास ब्रीड्स आ चुकी हैं बट हमारे पास जो वाइट फीमेल है वो एक भी नहीं है ना ही वाइट मेल है। तो वो हम ज़रूर से लेकर आएँगे। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारे गप्पीज बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहे हैं, शॉप में हमारे जो प्लेटीज हैं ये भी बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिश हमारा यहाँ पे और ब्रीड नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। हमारे मौलीज को ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी है बट हमारे दूसरे फिश अभी तक यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाए हैं एंड प्लेटीज तो यार ब्रीड कर सकती हैं बट ये फिर भी नहीं कर रही हैं एंड बाकी यहाँ पर हमने अपने फिश को निकाल लिया है। तो चलें अब इनके लिए भी कुछ अलग सा सेटअप कर लेते हैं क्योंकि इनको तो यहाँ पर रखने नहीं वाला। एंड साथ में आपको मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, एक यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक मेल जो कि हमारे पास काफ़ी पहले से है एंड एक रहा यहाँ पे, तो मैंने इसको कल ही देखा है एंड ये इतना ज़्यादा बड़ा मेल हमारे पास दूसरा कहाँ से आ गया। तो ये पहले वाले जो बेबीज थे सभी अब वो कई उनमें से बड़े हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा पुराना वाला मेल जो कि ब्लैक था, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड उसी की तरह हो चुका है एक और सेम जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्लैक में तो हमारे पास काफ़ी बढ़िया है यार बट वाइट हमारे पास एक भी नहीं है, तो वाइट भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ। तो चले अब दूसरे पॉन्ड का भी सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सेटअप कर ही रहा था बट आप यहाँ पर देख सकते हो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो चुका है और इस मौसम में मैं इनको बिल्कुल भी इनके ग्रुप से अलग नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तूफान आने आ जाता है यार, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है एंड इसको ढकने के लिए तो वैसे भी है कुछ ना कुछ, इसको ढकने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यार अब मैं इनको दोबारा से यहीं पे ऐड कर दूंगा क्योंकि मैं इनके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फिश हैं वो वाले। तो यार इनको दोबारा से इसी पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं इनके साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फिश हैं जो कि मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो चले इनको दोबारा से इनके पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। तो यार भाई इनको दोबारा से हमें पॉन्ड के अंदर ऐड करना पड़ा बट कोई बात नहीं, हमारे फिश यहाँ पे ठीक हैं कुछ दिनों के लिए, जब काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे धूप निकलना शुरू हो जाएगी तब हम दोबारा से इन फिश को निकाल के हम अपने DIY फिश पॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका सेटअप भी मैं तब तक काफ़ी अच्छे से कर लूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम सिर्फ फिश ही ऐड करेंगे। तो आपको बाकी का अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका दे दूँगा। यार अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी यार मौसम आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता ही जा रहा है, तो यार मैं कोई भी रिस्क इनके साथ नहीं ले सकता।
कहीं अगर हमारे बढ़िया से फिश की डेथ होगी तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। तो चले अब आपको हमारे नेक्स्ट फिश का भी अपडेट देते हैं। ये रहा भाई हमारा गोल्ड फिश टैंक एंड यहाँ पे हमारा, वैसे आप इसको कम्युनिटी फिश टैंक भी बोल सकते हो, एंड यहाँ पे मैं आपको आज देने वाला हूँ सिल्वर डॉलर का अपडेट, क्योंकि उसका पार्टनर लाना मैं बिल्कुल भूल चुका था। बेचारा हमारा सिल्वर डॉलर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका है, ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छे से हो रही है, खाता भी है काफ़ी अच्छे से, बट इसके लिए पार्टनर लाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब फिश आप देख सकते हो अपने एक ग्रुप के साथ हैं, तो हमारा सिल्वर डॉलर अकेला क्यों रहे बेचारा। तो इसके लिए काफ़ी जल्दी मैं पार्टनर ले आऊँगा, एंड साथ में हम यहाँ पे कलर टेट्रास भी और ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा कलर जो है वो हमारे फिश के नहीं है, तो ग्रीन के लिए भी एक पार्टनर ले आऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक ही है मतलब, तो इसको अजीब सा लगता होगा इन सभी के साथ, तो इसके लिए भी पार्टनर ले आएंगे, एंड बाकी और भी हम फिश देख सकते हैं जो अच्छे लगेंगे वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चले फिर यहीं पे करते हैं हमारी इस छोटी सी वीडियो को एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।